हम परंपराओं का आदर करते हैं, हम बीजेपी की नकल नहीं करना चाहते, जो कोई परंपरा कोई सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसलिए हमने तय किया था कि हम अध्यक्ष का चुनाव सर्वसहमति से करवाएंगे और यही हमारी सोच है और यही हमारी दृष्टि है। आज मुझे राज्यपाल पर दया आती है कि उनको ऐसा भाषण पढ़ना पड़ा जो मीडिया के लिए है, प्रदेश के लिए नहीं है। आप गिनेंगे कितनी चीजें प्रस्तावित हैं, इन्होंने 15 साल में 15,000 प्रस्तावित योजनाएं करी हैं, कोई उनका नाम निशान नहीं। तब उन्होंने कहा कि इतना इन्होंने एलोकेशन किया है, ये एलोकेशन का कोई मतलब नहीं। तो ये तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने का है, जो सही बात कहनी थी कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहा है, आज किसानों की क्या स्थिति है, आज बेरोजगारों की क्या स्थिति है, मजदूरों की बात करी कि मजदूरों को हमने इतना पैसा दिया और सबने देख लिया मीडिया में कि मजदूरों को क्या हाल थी, खाने का उन्होंने कहते हैं प्रबंध किया। ये आज इसीलिए मैं कहता मुझे तो राज्यपाल पर ये सरकार के नजरिए में हमारा कृषि क्षेत्र नहीं है और यही कृषि क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का भविष्य है। कोरोना की बात करते थे, कोरोना की बात करते थे तो बीजेपी को कोरोना नहीं लगता था, अब कोरोना रिटर्न कर रहा है, अब ये फिर सत्र बुलाया। ये तो कोरोना, जब मैं कोरोना की बात करता था शिवराज जी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कोरोना डरोना क्या है, और आज राज्यपाल के भाषण में अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कोरोना की। सर सिंधिया समर्थक कई मंत्री हैं, अब सर सिंधिया समर्थक इसके बारे में कुछ नहीं। आज कितनी दफे जिक्र किया राज्यपाल ने प्रधानमंत्री का, मैं तो सोच रहा था मैं लोकसभा में बैठा हुआ हूँ। ये सिंधिया समर्थक विधायक अब सर मंत्री हैं, जिनका काले धंधे जांच शिथिल पड़ गई है। सर क्या आपकी सरकार गिराने के लिए आईटी रेड डाली गई थी? मैं समझा नहीं। अब जो जांच है आईटी रेड को लेके, सिंधिया समर्थक गई जो विधायक मंत्री बने हैं वो भी सस्पेक्ट हैं, इसीलिए जांच शिथिल कर दी गई है और सरकार गिराने के लिए आईटी रेड डाली गई थी वो। अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, दिल्ली में जो कर रहे हैं उसको करें, सब जांच अपना रास्ता।